14 अप्रैल 2024 को जब मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई तो लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की वो सारी यादें ताजा हो गई जो पिछले 6 साल से चल रही है। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ बताया जा रहा है। एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर यह दावा किया गया है कि अमेरिका में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सलमान खान पर हमले की जिम्मेदारी ली है। अनमोल ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और कहा, हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने ये तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी और जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को तुमने भगवान मान रखा है उसके नाम के हमने 2 कुत्ते पाले हुए हैं। बाकी ज्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं है। जय भारत, सलाम शाहिदा, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान पर हमला हुआ है। साल 2018 से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। वहीं साल 2023 में लॉरेंस ने जेल से ही एक वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में लॉरेंस ने धमकी दी थी और कहा था कि अगर सलमान खान माफी नहीं मांगेगा तो अंजाम बुरा होगा। वीडियो जारी करने से पहले भी लॉरेंस सलमान खान की हत्या की कई दफा साजिश रच चुका था। धमकियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को वाई प्लस सिक्योरिटी दी हुई है। उनके घर के बाहर भी सुरक्षा बेहद सख्त रहती है। हालांकि रविवार को जो फायरिंग हुई वो सलमान खान के घर की बालकनी की तरफ की गई थी। ये वही बालकनी है जहां अक्सर सलमान अपने फैन से रूबरू होते हैं, वहां पर आकर उन्हें हाय हेलो करते हैं। बता दें कि बिश्नोई और गोल्टी बराड़ ने कई बार मुंबई में सलमान पर हमले के लिए अपने शूटर भेजे थे। लॉरेंस का बेहद खास गैंगस्टर संपत नेहरा साल 2018 में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी करने आया था। हमले को अंजाम देने से पहले ही हरियाणा पुलिस ने नेहरा को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पूछताछ में सलमान खान पर हमले की पूरी प्लानिंग का खुलासा भी किया था। मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान से मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद भी सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिली। जून में बांद्रा में सलीम खान को एक बेंच पर एक लेटर मिला था जहां वो सुबह जॉगिंग करने के बाद बैठा करते थे। उस लेटर में भी धमकी मिली थी। मार्च 2023 में सलमान को एक और ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। सलमान के एक करीबी को एक ईमेल मिला जिसमें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू का जिक्र था। वो वीडियो जिसमें लॉरेंस ने दावा किया था कि उसकी जिंदगी में केवल उसका एक ही मकसद है, वो है सलमान खान को जान से मारना। दर्ज शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने सलमान को धमकी भरे ईमेल के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों आखिर सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है लॉरेंस बिश्नोई, क्या है पूरी कहानी। दरअसल 1998 में सलमान खान पर काले हिरण को मारने का आरोप लगा था। सलमान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान शहर से सटे कांकड़िनी गांव के पास काले हिरण को मारा है। राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने परिवार की तरह मानता है, उनके बीच काले हिरण की पूजा होती है। ऐसे में सलमान खान बिश्नोई समाज के निशाने पर आ गए। मामला कोर्ट तक पहुंचा। अप्रैल 2018 में सलमान खान को इस मामले में दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि उसी दिन सलमान 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत लेकर बाहर आ गए। इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रेडियो सिटी रग रग में।